चलिए आगे करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर टेन में ये बोला हुआ है कि आपको वही चीज़ है, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको निकालनी है। किस तरीके से निकालनी है आप देखेंगे, रॉ मटेरियल वेजेस और ओवरहेड की जो आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट दी हुई है, सेलिंग दी हुई है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको दी हुई है, तो हमने जब फॉर्मूला देखा था तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी ओवरहेड्स हैं उसमें से आप हमेशा डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन 1,20,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे 7,44,000 में से, छह लाख 24,000 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी कॉस्ट निकालना स्टार्ट कर देते हैं। करंट एसेट में सबसे पहले आएगा आपका रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपको दे रखी है 31,20,000। तो 31,20,000 रॉ मटेरियल आपके पास 2 महीने के लिए आप उसमें रखता है, जो कहते हैं पैसा जो है रॉ मटेरियल के तौर पर पड़ा रहता है, तो ये 2 महीने का हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5,20,000। उसके बाद आता है आपका वर्किंग प्रोग्रेस। अब वर्किंग प्रोग्रेस में तीनों चीजें आती हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल भी आता है इसका 50%, वेजेस का और ओवरहेड का 50%। अब ध्यान रखिएगा 50% जो लेना है हमें ओवरहेड लेने ही डेप्रिसिएशन को हटा के, तो 6,24,000 का 50% लेना है, तो इनका 50% और 31,20,000 इन सबका टोटल मिला के बन जाएगा 43,68,000। इसका फिर वही आप निकाल लोगे 3/3, 3 वीक्स है तो 52 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 2,52,000। तीसरे में चलेंगे हम, फिनिश गुड्स से हमारे पास, तो फिनिश गुड्स तो हमें पता है टोटल ही लेनी होती है, टोटल लेनी है लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करके। टोटल आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है 57,36,000, इसमें से आप डेप्रिसिएशन के 1,20,000 माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा आपके पास 56,16,000। इसका आपको निकाल लोगे एक मंथ का, जितने के लिए पैसा इसमें फंसा रहता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और कुछ है जो आपके पास एसेट के तौर पे है, कैश अच्छा सेल है आपकी क्रेडिट, तो डेटर्स भी होंगे, डेटर्स निकालेंगे। डेटर्स के बारे में ये बोल रहा है, देखिए डेटर्स जब भी आप निकालते हो तो कॉस्ट जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर निकालोगे, सेल्स दे रखा होता है तो सेल्स निकाल देते हो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी है 56,16,000, लेकिन कितने टाइम के लिए इसमें रहता है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दे रखा है 50% जो सेल है वो कैश की है, लेकिन यानी बाकी 50% आपकी क्रेडिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटर्स कैलकुलेट होंगे वो इसका 50% ही होंगे, क्योंकि वो क्रेडिट से 50% है। 2 वीक्स के लिए आप रखते हो तो उसको 2/52 कर देंगे। पांचवी चीज हो गई आपके पास, अब कैश सेल है तो ऑब्वियसली कैश भी होगा आपके पास। कैश कैसे है, कैश के बारे में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, करंट लाइबिलिटीज का 50% आपको कैश के तौर पे रखना है। तो पहले हमें करंट लाइबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी, फिर उसका 50% हम कैश के तौर पे रख सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स हमेशा निकलते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी 31,20,000। कितने महीने का क्रेडिट आपको मिला हुआ है, 4 वीक का, और 30% ऑफ परचेज के ऊपर सिर्फ। तो हम इसका क्या करेंगे, 30% निकालेंगे सबसे पहले, और फिर 4 वीक का हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आएगा आपका 7th वेजेस, ये तो बिल्कुल सिंपल है, वेजेस की कॉस्ट है आपकी कितनी, वेजेस के बारे में लिया हुआ है, आर पेड एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। और वेजेस की कॉस्ट है 18,72,000। अब ये चीज, ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है, अगर वेजेस आपके एट द एंड ऑफ द मंथ पे किए जाते हैं ना, मतलब जैसे मान लीजिए जनवरी है, जनवरी का वेजेस आपको 31 जनवरी को, यानी पूरा एक महीना वो नहीं पे किया गया, ठीक है, 31 जनवरी को पे किया गया, फिर 28 फरवरी को, तो हम इसे हाफ मंथ एरियर मानते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से लिखा हो कि आपके वेजी जो है वो मंथ के आखिरी में पे करे सॉरी किए गए हैं, तो हम इसको हाफ मंथ का निकाल लेते हैं, तो हाफ मंथ हो जाएगा इतना, ठीक है। उसके बाद आते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में देखिए आपके पास 7,44 - 1,20 हमने किया था, 6,24,000 आ गए थे ओवरहेड्स का पे कर रहे हैं हम, लैग इन द पेमेंट ऑफ ओवरहेड है 1 मंथ, तो ये 1 मंथ का ही आप निकाल लोगे, ठीक है। अब कैश कैसे निकलेगा, इन तीनों की जो भी आपकी अमाउंट आएगी उसका आप 50% जो है यहाँ पे कैश के अंदर ले लोगे, एसेट
को टोटल करोगे, लाइबिलिटी को टोटल करोगे, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करोगे और वो आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्वेल्थ का, तो इसके अंदर देखिए आपको क्या बोला हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ द ईयर दिया हुआ है आपको 69,000 यूनिट का, सबके आपको मंथ दिए हुए हैं कितने कितने ऑन एन एवरेज पैसा कहाँ कहाँ फंसा रह रहा है, सेल प्राइस दिया हुआ है आपको 50 और ये परसेंटेज दी हुई है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट सेल प्राइस का 50% है इस तरीके से, यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट 50 का 50% है यानी 25 है, डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट जो है वो 10% है यानी 5, ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है वो है आपकी 16% इसका, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगी टोटल, ठीक है, इनको हम टोटल करेंगे आ जाएगा 38। अब उसके बाद देखा आपको सेलिंग ओवरहेड, अब एक बात ध्यान रखिएगा ये सेल्स नहीं है ये सेलिंग ओवरहेड है, ठीक है, सेलिंग ओवरहेड ये आपका 4%, तो हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो गया टोटल 40। जब शुरुआत में मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी ओवरहेड्स कहाँ कहाँ कितने ऐड होते हैं, जब हम वहां तक निकालते हैं फिनिश गुड्स तक जब हम निकालते हैं तो वहां तक सिर्फ आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग के और एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव जो ओवरहेड्स है वो आते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम डेटर्स निकालते हैं तो डेटर्स के अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग ओवरहेड्स को भी ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड होते ही तब है जब आप कोई चीज जो गुड्स है जो वो बेचते हो, और डेटर्स भी तब होते हैं जब आप कुछ क्रेडिट पे बेच रहे हो, तो सेल्स वाला कॉमन पॉइंट है, सेलिंग ओवरहेड यानी जब आप डेटर्स निकालोगे तो वहां पे आप टोटल कॉस्ट 40 के हिसाब से लोगे यानी 69,000 गुणा में 40 और जितने भी मंथ के लिए ये जो है वो रहे हैं आपको क्रेडिट जो मिला है, ठीक है, कितने मंथ का मिला है डेटर ने आपको, अच्छा आपने दिया 3 महीने का, ठीक है, तो इसका फिर आप 3 महीने का निकाल लोगे इस तरीके से, तो डेटर निकालते समय सेलिंग ओवरहेड हम ऐड कर देंगे, बाकी सारा आपका बिल्कुल सिंपल है आराम से आप कर सकते हो। 13th का इलस्ट्रेशन देखते हैं अब, ये थोड़ा सा अलग है, देखिए वीकली सेल्स, अच्छा इसे ये निकालने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, आपको ईयरली कंजम्पशन चाहिए होता है, ठीक है, फिर आपको इसको ऑन एन एवरेज जो भी आपको एक महीने पैसा अट कर रहता है तो एक महीने का, एक हफ्ते पैसा अट कर रहता है तो एक हफ्ते का, 6 महीने पैसा अट कर रहता है तो 6 महीने का, इस तरीके से इससे मल्टीप्लाई करके ये आप निकालते हो, ठीक है, ईयरली कंजम्पशन चाहिए होता है, क्या हो अगर आपको ईयरली की बजाय वीक वाइज ही दे रखा हो, ठीक है, हम जैसे मान लीजिए एक वीक का निकाल लेते हैं ऑन एन एवरेज, अगर मान लीजिए एक वीक रॉ मटेरियल में पैसा आपका अटका रहता है पूरे साल का दे रखा है तो उसको एक गुना में 1/52 करते हैं, अगर मुझे वीक का ही दे रखा हो, ठीक है, तो क्या होगा, क्या मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या मुझे इसको 1/52 करना पड़ेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि पहले से ही वीक में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें ये 52 से डिवाइड करने की इसको कोई जरूरत नहीं है, जितने वीक का होगा उतने वीक से सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे चलते हैं, वीकली सेल आपको दे रखी है, अब ध्यान रखिएगा वीकली सेल दी हुई है, ईयरली नहीं दी हुई है, तो इसको 52 से हर बार डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, 4,000 है, 3 इसका सेलिंग प्राइस है, 6 वीक का क्रेडिट आपको दिया जा रहा है, ठीक है, क्रेडिटर्स को के द्वारा, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 1.25, 0.50 है डायरेक्ट लेबर की और 4,000 पर वीक है ओवरहेड, तो ओवरहेड की कॉस्ट आती है पर यूनिट कॉस्ट आएगी, ठीक है, यानी 4,000 डिवाइडेड बाय में 4,000 यूनिट्स, 1 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट है, ये आ जाएगा 1, ओके, इसके बाद तो ये टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 2.75 रुपए, प्लांट स्टॉक है रॉ मटेरियल का 25,000, तो वीकली वीक के लिए रॉ मटेरियल का स्टॉक पहले से ही आपको दिया हुआ है 25,000, सॉरी तो रॉ मटेरियल हमारा हो जाएगा 25,000, ठीक है, उसके बाद आता है वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस में वही चीज है, 3 कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्योंकि कोई प्लान व्लान दिया नहीं हुआ है तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, 4,000 यूनिट्स है टोटल जो आप प्रोड्यूस करते हो, गुणा में वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट कितनी होती है, तो वो ध्यान रखिएगा कितनी लेते हैं हम, रॉ मटेरियल की लेते हैं टोटल 1.25, वर्क इन प्रोग्रेस की हम लेते हैं आधी 25 और फिनिश्ड गुड्स की भी हम लेते हैं आधी यानी 0.50, टोटल मिला के हो जाएगा ये 2, तो 4,000 गुणा में 2 रुपए पर यूनिट और गुणा में कितने मंथ के लिए ये वो रहता है वर्किंग प्रोग्रेस,
2 वीक के लिए, ठीक है, ये ऑलरेडी वीकली दी हुई है तो इसको 52 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद आते हैं हम फिनिश गुड्स की तरफ। फिनिश गुड्स में देखिए क्या कह रखा है आपको, 20,000 यूनिट आपके फिनिश गुड्स की प्रोड्यूस करी है, ठीक है, तो पहले से ही दे रखा है कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है फिनिश गुड्स की, तो उठा लेंगे वही उठा लेंगे जितनी फिनिश गुड्स की यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय किससे गुणा करना है आपको, कॉस्ट से, कौन सी कॉस्ट से, टोटल से, टोटल कितनी आई है 2.75 रुपए, ठीक है। और ये वीकली यूनिट्स हैं फिनिश गुड्स की, तो आपको इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इतनी ही आप ऑन एन एवरेज प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे डेटर्स। डेटर्स कितने हैं आपको, ये 6 वीक का क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है, आपने तो डेटर निकाल लेंगे, 4,000 तो यूनिट हो गई, डेटर की भी टोटल कॉस्ट लेते हैं हम 2.75 रुपए टोटल कॉस्ट गुणा में 6 वीक, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है सिर्फ, तो 4,000 ये हो गया गुणा में रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी 1.25 रुपए और गुणा में क्रेडिटर्स है 4 वीक के बाद आप पे करते हैं तो गुणा में 4। उसके बाद आते हैं आपके भाई ओवरहेड्स। ओवरहेड्स हो गए आपके कितने, 1 रुपया पर उसका था ना, तो 4,000 गुणा में 1 और गुणा में कितने वीक के बाद आप पे करते हो, 4 वीक के बाद, तो 4। अब आते हैं वेजेस। अब वेजेस में भी वो पॉइंट याद रखेगा जो हमने लास्ट में किया था, एट द एंड ऑफ मंथ वाला। यहाँ वेजेस पे किए जाते हैं वीकेंड पे, मतलब वीक के आखिर में। अगर एट द एंड ऑफ मंथ था तो हम आधे महीने का निकालते हैं एवरेज, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, आधे वीक का, क्योंकि वीकेंड पे आप देते हो। तो क्या करेंगे, 4,000 गुणा में वेजेस की कॉस्ट है 50 पैसे गुणा में आधा वीक 1.5, 52 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये वीकली ही आपको दी हुई है पहले से, ठीक है, ओके। 14th का इलस्ट्रेशन देखते हैं अब, ओके, सो 14th की इलस्ट्रेशन में आपको ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, करंट एसेट में नहीं आता। सेल्स दे रखे हैं 2 मंथ के क्रेडिट पे हैं, यानी आपके डेटर्स को 2 महीने का क्रेडिट दिया है, मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, सप्लायर का क्रेडिट इतना, यानी क्रेडिटर आपका 1 मंथ है, वेजेस भी 1 महीने का है, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी 1 महीने की हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी 1 महीने की हैं, सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे किए गए हैं, सो सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंसेस बेसिकली आपकी एसेट के अंदर आएगा, करंट एसेट, क्योंकि एडवांस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स का हमें कुछ नहीं करना। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स आर कैप्ट एट 1 मंथ रिक्वायरमेंट, ठीक है। कैश आपको जो देना है वो 50% ऑफ करंट लायबिलिटीज, यानी जो जो हमारे पास करंट लायबिलिटी में आएगा उसका 50% हम कैश के अंदर डाल देंगे। सेफ्टी मार्जिन अपना 10% है, जो कंटिजेंसी वाला बनाते हैं हम वो 10% है। वर्किंग प्रोग्रेस, वर्किंग कैपिटल निकाल लिए, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल की वैल्यू आपको दी हुई है 2,25,000 और कितने का ये दिया हुआ है, एक रॉ मटेरियल आपको रखना है, ये रहा 1 मंथ रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये ऊपर वाला, ये तो डेटर का है, ये आपका रॉ मटेरियल का है, तो गुणा में 1/12, क्योंकि ये ईयरली दी हुई है तो इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम ऑन एन एवरेज 1 मंथ का निकाल सके। उसके बाद आता है वर्किंग प्रोग्रेस। कोई आप क्वेश्चन में देखोगे कहीं वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है, इसका मतलब वर्किंग प्रोग्रेस कुछ नहीं है, तो हम सीधा फिनिश गुड्स की तरफ आएंगे। फिनिश गुड्स आपको जो दे रखे हैं, अब फिनिश गुड्स जो है वो आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे क्योंकि फिनिश गुड्स का दिया नहीं हुआ है। फिनिश गुड्स में आपकी टोटल कॉस्ट आती है, ध्यान रखिएगा, रॉ मटेरियल की 2,25,000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं इसमें, ठीक है, 2,40,000 प्लस इसके अंदर आते हैं आपके ये वेजेस भी आएंगे, ठीक है, 1,80,000। इसमें हम इतना ही लेंगे, ये हो जाएगा आपका 6,45,000, ठीक है। प्रोडक्शन करने की कॉस्ट आपकी आ गई ये, तो 6,45,000 इसका हम निकाल लेंगे 1 मंथ का, क्योंकि फिनिश गुड्स का आपको 1 मंथ का दिया हुआ है। उसके बाद आता है अपना डेटर्स। डेटर्स हमें दे रखे हैं 1 मंथ का क्रेडिट के ऊपर, ठीक है, ये सप्लायर का क्रेडिट है, ओके, ये रहा 2 मंथ के क्रेडिट पे, ठीक है। आप जो डेटर होते हैं, डेटर में और भी चीजें शामिल होती हैं, तो ये जो 6,45,000 है इसके अंदर हम
और बाकी की कॉस्ट भी शामिल कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और सेल्स भी, 60,000 भी और 30,000 भी, ठीक है। ये टोटल बन जाएगा आपका 7,35,000। निकाल लोगे उसके बाद लेटर की, तो आराम से 2 महीने का निकालना है क्रेडिट। उसके बाद ये जो प्रीपेड सेल्स है ये भी आपकी एसेट में आएगा, तो एसेट के अंदर इनको भी लोगे आप। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के थे, 30,000 के, और ये आपने क्वार्टरली एडवांस पे करे, क्वार्टरली का मतलब है 3 महीने, तो ये 3 महीने के आप निकाल लोगे। उसके बाद कैश है, कैश कैसे निकालोगे, पहले करंट लाइबिलिटीज निकालनी पड़ेगी और उसका 50% आप यहाँ पे डाल दोगे। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, उसमें आएगा एक तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को 1 महीने का आपका वो है उधार, ठीक है। क्रेडिटर्स होते हैं रॉ मटेरियल पे, तो 2,25,000 का 1 महीने का अपना निकाल लोगे। वेजेस का निकाल लोगे, 1 महीने का लैग है, ठीक है, तो वेजेस 1,80,000, इसका 1 महीने का निकालना है। इसके बाद जो आपके एक्सपेंसेस रह गए वो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस रह गया, तो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस लेके उसका 1 महीने का निकाल लोगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव का निकाल लोगे। सेल्स क्योंकि आपकी एसेट है तो ये हम यहाँ पे ले चुके हैं, जो भी आपका करंट लाइबिलिटी का टोटल आएगा उसका 50% यहाँ ले लेना और कंटीजेंसी का 10% ऐड कर देना। इसके बाद तो बिल्कुल ही इजी सा है आपका। ओके, इसके बाद जो 15th का इलस्ट्रेशन है वो मैं यहाँ पे नहीं डाला है मैंने, लेकिन आप अपनी बुक में देखिएगा। तो 15th के इलस्ट्रेशन में आपको ये कह रखा है कि टोटल एस्टिमेटेड सेल्स जो है, एक साल में वो है 12,00,000, ठीक है। एक्सपेंसेस जो है वो 2,000 पर मंथ, ये तो है आपके फिक्स्ड, और जो वेरिएबल है वो है 5% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स, तो 12,00,000 का 5%, 5% इसका निकाल लो, वो हो जाएगा आपका 60,000, ठीक है। सेल्स आपकी ईयरली है, तो अगर आप इसका निकालोगे 5%, तो आपके जो ये वेरिएबल आए हैं ये भी ईयरली आएंगे, ये ईयरली आए हैं तो हम इसको भी ईयरली बना सकते हैं, तो फिक्स्ड हो जाएंगे आपके 24,000 रुपए पर ईयर, ठीक है। ईयरली निकाल रहे हैं, फिर जितने जितने महीने के लिए रहेंगे उतने महीने या उतने हफ्ते का हम एवरेज निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद है इन्होंने, इसने कहा है कि सेल प्राइस जो है वो 25% एक्सेस होगा कॉस्ट से। क्या कह रहे हैं, ये जो सेल है 12,00,000 की, इसने क्या किया, जो भी कॉस्ट थी, ठीक है, उसमें 25% ऐड कर दिया कॉस्ट का, और फिर इसको सेल प्राइस मिल गया। यानी ये जो 12,00,000 है, ठीक है, ये कितना है, कॉस्ट प्लस 25। तो अगर हम मान लें कि कॉस्ट हमारी 100 है, ठीक है, इसका 25% हो गया 25, यानी सेल कितनी हो जाएगी, 125। तो अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, वो हमें चाहिए होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, तो यानी ये जो 12,00,000 है ये 125 की वैल्यू है। मैं अगर 100 की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी 9,60,000। अब इस 9,60,000 को या तो मैं 12,00,000 में से डिवाइड कर दूं, या फिर ये जो 12,00,000 है ये 125 की कॉस्ट है, अगर मैं 25 की निकाल लूं तो ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 2,40,000। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल में से प्रॉफिट को माइनस कर दूं और इसके साथ साथ एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दूं, एक्सपेंसेस आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं कि आपके ये जो हमने यहाँ पे निकाले ही थे 24,000 और 60,000, ठीक है, ये दोनों, इन दोनों को भी मैं माइनस कर दूं, ठीक है, कॉस्ट में से, सॉरी प्रॉफिट में से, सेल में से कॉस्ट निकाल के तो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से ये प्रॉफिट हो गया आपका एक तरह से ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1,56,000। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको पहले तो इनका नेट प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको इसकी वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो नेट प्रॉफिट तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, अब बारी आती है वर्किंग कैपिटल की। तो देखिए, वर्किंग कैपिटल में क्वेश्चन में आपका रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसमें बस आपको एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ही एक्सपेक्ट्स टर्नओवर ही स्टॉक 4 टाइम्स इन ए ईयर। मतलब टर्नओवर का क्या मतलब होता है,
कि हम जिस स्पीड से अपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब स्टॉक को बेचते हैं, ठीक है, तो उसका टर्नओवर अगर 4 times इन ईयर है, मतलब वो साल में 4 times जो है सेल्स को, 4 times जो आपका फिनिश गुड्स है उसको, स्टॉक है जो, उसको सेल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रॉ मटेरियल या वो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पे स्टॉक निकालेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल का स्टॉक या वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक या फिनिश गुड्स का स्टॉक इस तरीके से करके नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ एक स्टॉक दिया हुआ है आपका फिनिश गुड्स का, जिसको आप हर साल 4 times सेल में बदलते हो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती तो वो लेते हैं, लेकिन हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल है सिर्फ, तो हम वो ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल है हमारे पास 960,000, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, तो 960,000 डिवाइडेड बाई 4 times आप उसको कन्वर्ट करते हो, 4, ठीक है, यानी स्टॉक ऑन एन एवरेज आपका जो स्टॉक पड़ा रहता है वो 240,000 रुपए का पड़ा रहता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरी जो करंट एसेट है आपकी, यहाँ आएगी वो आएगी कैश, क्योंकि कैश के बारे में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। कैश 1 month क्रेडिट फॉर परचेज, ठीक है, ये तो क्रेडिटर आएंगे। तो कैश आपका कैसे है, कैश को आपने, अच्छा इसमें दे रखा है सेल एंड परचेजेस विल बी इवनली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए अपना सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम आएगी, क्योंकि दोनों चीजें सेम ही है आपकी, ठीक है। कैश कैसे करेंगे, अब देखिए कैश की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पड़ेगी इस पर्सन को, इस पर्सन को कैश की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं दोनों के एक्सपेंसेस जो ईयरली बेसिस पे दे रखे हैं इसको मंथली बेसिस पे निकाल लूं, जैसे कि हमने स्टॉक के साथ करा, 4 times इन ईयर का मतलब होता है 3 quarters होते हैं पूरे साल में, ठीक है, सॉरी 4 quarters होते हैं पूरे साल में, 3 महीने के। तो बेसिकली कहना चाहता है हर 3 महीने में आपने अपने स्टॉक को कन्वर्ट कर दिया उसके अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 times करके, ये ना करके, 4 times ना करके, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 960,000 ऑन एन एवरेज 3 महीने के लिए फिनिश गुड्स के तौर पे पड़ा रहता है, यानी आपका पैसा 3 महीने के लिए फिनिश गुड्स में अटका रहता है, तो भी ये आपका 240,000 ही आता, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, सेम चीज है। टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर का भी यही मतलब होता है कितने टाइम में आप उसको सेल में कन्वर्ट कर देते हो, तो बाकी का जो होगा आपका ये है आपका इतने टाइम के लिए इतना पैसा वहां पे अटका रहता है, ठीक है। ओके, कैश का भी हमें वहां चाहिए, तो देखिए अगर मैं इसको 24,000 को और 60,000 को पर मंथ का निकाल लेती हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 2,000 और प्लस 5,000 7,000 रुपये, ठीक है। तो कैश की रिक्वायरमेंट हो गई हमारी 7,000, इसमें से माइनस करने हमें करंट लाइबिलिटीज, जो अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगी और वो है क्रेडिटर्स। इसके अंदर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके जो क्रेडिटर्स है वो 1 month का क्रेडिट है परचेज के ऊपर, ठीक है। परचेज हमने क्या किया होगा, कॉस्ट ऑफ सेल ही लेके चलेंगे क्योंकि और कुछ तो हमारे पास है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। जो आप बेच रहे हो उसकी जो लागत आई है, जो आपने खरीदा होगा वही आप बेच रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ सेल जो है वही कॉस्ट ऑफ परचेज होगी, सीधी सी बात है। क्वेश्चन में आपको वैसे भी बोल रखा है कि सेल और परचेज दोनों सेम ही है आपके, थ्रू आउट द ईयर आपकी इक्वली इवनली ही स्प्रेड हुई है, तो जितनी कॉस्ट ऑफ सेल है उतनी ही आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज है, जो आपने खरीदा था जिस लागत पे उतने ही लागत पे आप वो जो आपका सेल कर रहे हो वो जो माल पड़ा हुआ है उसकी लागत भी उतनी ही है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल है हमारे पास 960,000, इसका हम निकाल लेंगे 1 महीने का, ये सीधा सीधा आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स, करंट एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करो, ये आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। तो आपका वर्किंग कैपिटल का चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, इसके क्वेश्चन कर लेना और डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना।